नमस्कार दोस्तों, मैं रही साहनी रेडियो हिंदुस्तान से। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, मेरे यहाँ ग्राहक तो बहुत आते हैं किंतु इंसान कभी कभार ही आते हैं। जी हाँ, ये शीर्षक है मेरी आज की कहानी का, कह लीजिए या किस्सा कह लीजिए, क्योंकि ये एक सच्ची घटना ही है। बनारस में एक चर्चित दुकान पर लस्सी का ऑर्डर देने हम सब दोस्त यार आराम से बैठकर एक दूसरे की खिंचाई और हंसी मजाक में लगे ही रहते थे कि लगभग 70-75 साल की बुजुर्ग स्त्री पैसे मांगते हुए मेरे सामने हाथ फैलाकर खड़ी हो गई। उनकी कमर झुकी हुई थी, चेहरे की झुर्रियों में भूक तैर रही थी, नेत्र भीतर को धसे हुए थे किंतु सजल थे। उनको देखकर मन में ना जाने क्या आया कि मैंने जेब से सिक्के निकालने के लिए डाला हुआ हाथ वापस खींचते हुए उनसे पूछ लिया, दादी लस्सी पियोगी? मेरी इस बात पर दादी कम अचंभित हुई और मेरे मित्र अधिक, क्योंकि अगर मैं उनको पैसे देता तो 5 या 10 रुपये ही देता, लेकिन लस्सी तो 40 रुपये की ही है। इसे लस्सी पिलाने से मेरे गरीब हो जाने की और उस बूढ़ी दादी के द्वारा मुझे ठग कर अमीर हो जाने की संभावना बहुत अधिक बढ़ गई। दादी ने सकुचाते हुए हामी भरी और अपने पास जो मांग कर जमा किए हुए 6-7 रुपये थे वो अपने कांपते हुए हाथों से मेरी ओर बढ़ाए। मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैंने उनसे पूछा, ये किस लिए दादी? इनको मिलाकर मेरी लस्सी के लिए पैसे चुका देना बाबूजी। भावुक तो मैं उनको देखकर ही हो गया। रही बची कसर उनकी इस बात ने पूरी कर दी। एकाएक मेरी आंखें छलछला आई और भर भराते हुए गले से मैंने दुकानदार से एक लस्सी बनाने को कहा। उन्होंने अपने पैसे वापस मुट्ठी में बंद कर लिए और पास ही जमीन पर बैठ गई। अब मुझे अपनी लाचारी का अनुभव हुआ, क्योंकि मैं वहाँ पर मौजूद दुकानदार, अपने दोस्त और कई अन्य ग्राहकों की वजह से उनको कुर्सी पर बैठने के लिए नहीं कह पाया। डर था कि कहीं कोई टोक न दे, कहीं किसी को एक भीख मांगने वाली बूढ़ी महिला उनके बराबर में बिठाए जाने पर आपत्ति ना हो जाए। लेकिन वो कुर्सी जिस पर मैं बैठा था मुझे काट रही थी। लस्सी कुल्हड़ों में भरकर हम सब मित्रों और बूढ़ी दादी के हाथों में आते ही मैं अपना कुल्हड़ पकड़कर दादी के पास ही जमीन पर बैठ गया, क्योंकि ऐसा करने के लिए तो मैं स्वतंत्र था, इससे किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती थी। हाँ, मेरे दोस्तों ने मुझे एक पल घूरा, लेकिन वो कुछ कहते उससे पहले ही दुकान के मालिक ने आगे बढ़कर दादी को उठाकर कुर्सी पर बैठा दिया और मेरी ओर मुस्कुराते हुए हाथ जोड़कर कहा, ऊपर बैठ जाइए साहब, मेरे यहाँ ग्राहक तो बहुत आते हैं किंतु इंसान कभी कभार ही आते हैं। जय श्री कृष्णा, कैसा लगा आपको ये किस्सा? ये एक सच्ची घटना है। अगर अच्छा लगे तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए और बताइए कि आप किस तरह की कहानियाँ रेडियो हिंदुस्तान पर और सुनना चाहेंगे।